अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट 9th क्लास मैथ लेक्चर। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 5 की रिव्यू एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करनी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसके आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट होती है, उसके 4 हमारे पास ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक करेक्ट होता है। तो जो सॉल्वेबल क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है, जस्ट आंसर लिखूंगा, क्योंकि आपके पास बुक क्या है आप बुक से भी देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से MCQs हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 का वो है MCQ, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है कि द फैक्टर ऑफ x² - 5x + 6 आर, यानी कि x² - 5x + 6 इसका फैक्टर कौन से हैं। तो फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन करके हम चेक कर लेते हैं इसको। तो देखें 6 का, तो x² - 3x - 2x + 6, 3 to the 6 - 3 - 2 - 5, इट्स मीन्स x - 3 - 2 - x - 3, तो x - 3 and x - 2 ये इसका इसके यानी कि इसके आ रहे हैं आंसर। इसका मतलब है पहले क्वेश्चन का जो हमारे पास सॉल्व करके हमने देखा हमारे पास फैक्टर कौन से आ रहे हैं x - 2 and x - 3, इट्स मीन्स इसका आंसर हमारे पास कौन सा है, बी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है, सेकंड MCQs अगर आप देखें वो हमारे पास क्या है, सेकंड MCQs है हमारे पास फैक्टराइज 8x³ + 27y³। इस पे फार्मूला अप्लाई होगा, पहले हम इसको क्यूबिक फॉर्म में लेके आते हैं। तो 2x³ + 3y³। तो आपको पता है a³ + b³ का फार्मूला, फार्मूला ओपन करते हैं। तो a+b एंड a² + b² - ab, 2x * 3y। ओके, तो अगर आप यहां पे देखें तो 2x + 3y, और यहां पे अगर आप देखें 4x² + 9y² - 6xy, इट्स मीन इसका कौन सा, आप देखें तो बुक पे इसका कौन सा आंसर बन रहा है, 2x + 3y, 4x² + 9y - 6xy, तो इसका सी ऑप्शन बन रहा है हमारे पास। क्या ऑप्शन आ रहा है इसका, सी, इट्स मीन इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन। तो वो MCQs आपके सॉल्व। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, तो थर्ड भी फैक्टर ही है, थर्ड फैक्टर है हमारे पास। तो थर्ड फैक्टर हमारे पास कौन सा है चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास ये है कि फैक्टराइज करना आपने 3x² - x - 2 को, थर्ड 3x² - x - 2, तो 2 3 6, तो अब 2 3 6 यही पेयर बन रहा है। तो सिंपल है, 3x² - 3x + 2x - 2, 3 to the 6 - 3 + 2 - 1, तो इसके पेयर अगर हम निकालें 3x (x - 1) + 2 (x - 1), तो 3x + 2 and x - 1। तो थर्ड पार्ट का जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, 3x + 2x - 1, 3x + 2x - 1, डी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। नेक्स्ट फोर्थ है, तो फोर्थ में उसने ये कहा हुआ है a4 - b4 के आपने फैक्टर बताने हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है इसका a² - 2b²। तो इसको करेंगे a² - 2b² and a² + 2b², एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो ये हमारे पास जो इसका ऑप्शन आ रहा है a² - 2b² a² + 2b² बी ऑप्शन आ रहा है फोर्थ का। फोर्थ का ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारे पास, बी। ओके, देन इसके बाद हमारे पास क्या है आगे, फिफ्थ में उसने कहा हुआ है कि व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ, कि क्या हमें ऐड करना पड़ेगा इस वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। फिफ्थ में वैल्यू कौन सी है आप देख सकते हैं, 9a² - 12ab, 9a² - 12ab, इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि स्क्वायर कंप्लीट हो। अगर आप देखें तो 3a² ठीक है, -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू 3a, अब 2 3 6, 6 2 12 12b, इसका मतलब 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें पता है हमें 4b² ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4b² का क्या होगा, 2b। यहाँ पे अगर आप 2b इस लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2b, अब हमने ऐड किया 4b², इसका मतलब है कि हमें 4b² ऐड करना पड़ेगा। तो फिर इसका ये कंप्लीट बन जाएगा 3a - 2b² 3a - 2b² तो हमें ऐड क्या करना पड़ा, 4b²
फोर बी स्केयर, इसका सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है, फोर बी स्केयर। तो देखें फिफ्थ एमसीक्यू सॉल्व, देन हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज भी ऑलमोस्ट इसी तरह, उसने क्या फाइंड एम सो डैट एम की वैल्यू फाइंड करें कि अगर ये एक कंप्लीट स्केयर हो, कौन सी वैल्यू कंप्लीट स्केयर, एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस एम, सिक्स का एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस एम, एम की वैल्यू फाइंड करें अगर ये कंप्लीट स्केयर है। तो अब कैसे पता चलेगा एम की वैल्यू, अब अगर आप देखें ये हमारे पास अगर है एक्स का होल स्केयर प्लस टू फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू, अब टू टू द फोर, अब टू चाहिए तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, इट्स मीन्स दैट कि एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी फोर, एम की वैल्यू फोर होगी तो यहाँ पे क्या आएगा टू, टू टू द फोर एक्स, इसका मतलब ये है कि इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए एक्स प्लस टू का होल स्केयर कंप्लीट करने के लिए एम किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास फोर, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए फोर। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है सी, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है सी। ओके यहाँ तक आपके सिक्स एम सी क्यूज सॉल्व, इसी तरह आपके पास इसके बाद सेवन एम सी क्यूज है, तो सेवन एम सी क्यूज देखते हैं हम। सेवन में आपको फैक्टराइजेशन का ही बोला हुआ, उसने फाइव एक्स स्केयर माइनस सेवनटीन एक्स वाई एंड देन माइनस ट्वेल्व वाई स्केयर, फैक्टर्स ऑन है फाइव इंटू ट्वेल्व सिक्सटी वाई एक्स वाई स्केयर, तो सिक्सटी का पेयर जो बनता है वो ट्वेंटी इंटू थ्री का पेयर बनेगा, फाइव एक्स स्केयर माइनस ट्वेंटी एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई स्केयर। देखिए थ्री टू द सिक्स सिक्सटी आ गया माइनस का, माइनस ट्वेंटी में से प्लस थ्री के माइनस सेवन, फाइव एक्स कॉमन निकाले मैंने तो एक्स माइनस फोर वाई, यहाँ से थ्री वाई मैंने कॉमन निकाला तो एक्स माइनस फोर वाई। तो चेक करें आप एक्स माइनस फोर वाई, एक्स माइनस फोर वाई एक ऑप्शन एक पेयर आ गया और दूसरा पेयर क्या आया फाइव एक्स प्लस थ्री वाई। तो बुक में आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है फाइव एक्स प्लस थ्री वाई और एक्स माइनस फोर वाई, ये भी इसका कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है इसका, तो इसका आंसर भी आपके पास सी। अब लास्ट एम सी क्यूज है हमारे पास, लास्ट एम सी क्यूज अगर आप देखें तो वो हमारे पास है एट्थ, एट्थ एम सी क्यूज हमारे पास ये है, फैक्टराइज ही हमने करना है इसको भी, 27x³ माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, इट्स मीन्स ये तो फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी यू का, तो पहले क्यूब बनाते हैं 3x का होल क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब, तो इसका मतलब ये आंसर आ रहा है हमारे, देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर एंड माइनस प्लस हमारे पास क्या आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ए बी क्या है 3x इंटू 1 ओवर x, तो इट्स मीन्स डैट 3x माइनस 1 ओवर x एंड 4x स्केयर, 3 3 था 9x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर और ये x x से कट गया तो प्लस 3 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं बुक में इसका हमारे पास क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है ए 3x माइनस 1 ओवर x 9x स्केयर माइनस 3 प्लस 1 ओवर x, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए। तो ये आपके रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, उनके अकॉर्डिंग आंसर जो थे वो भी मैंने लिख दिए। अब रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर टू है उसको देखते हैं। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर टू जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या, क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स वो चेक करें, फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स कहता है कि किसके इक्वल आते हैं, ठीक है तो इसकी फैक्टराइजेशन करके पता चलेगा एक्स स्केयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो इसका जो आंसर आएगा एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, तो एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री एंड देन प्लस टू कॉमन एक्स प्लस थ्री, तो इट्स मीन्स एड एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री इसके फैक्टर होंगे, तो ये इसका आंसर आएगा आपकी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। अब सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्या है, फोर ए स्केयर माइनस सिक्सटीन, फोर ए स्केयर माइनस सिक्सटीन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, टू ए का होल स्केयर माइनस फोर का होल स्केयर, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, टू ए प्लस फोर एंड टू ए माइनस फोर, तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, टू ए प्लस फोर एंड टू ए माइनस फोर। तो इसमें अगर आप देखें टू कॉमन भी आप निकाल सकते हैं दोनों पेयर में, ये भी आंसर लिख सकते हैं टू कॉमन निकाल भी लिख सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, फोर ए स्केयर प्लस फोर ए बी, फोर ए स्केयर प्लस फोर ए बी प्लस, यहाँ भी उसने पूछा हुआ है कि कंप्लीट स्केयर करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीट स्केयर करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, तो आप चेक कर लें फोर ए स्केयर प्लस फोर ए बी, इसको स्केयर में कन्वर्ट करते हैं, टू ए का होल स्केयर
प्लस टू इंटू टू ए। अब b हमारे पास क्या आ रहा है, टू, टू टू द फोर, तो b आ रहा है ना, तो इसका मतलब b का स्केयर ही आएगा जस्ट हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, b का स्केयर, होल स्केयर भी आप लिख सकते हैं या b स्केयर भी आप लिख सकते हैं। थर्ड का आपका आंसर जो आएगा वो आएगा b स्केयर। उसके बाद फोर्थ हम करते हैं, तो चेक करें आप लोग फोर्थ करने के लिए हमारे पास क्या है। फोर्थ हमारे पास है इसकी फिल इन दी ब्लैंक्स, फोर्थ फिल इन दी ब्लैंक्स है एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर माइनस टू प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। ये किसके इक्वल आता है, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, कैसे कंप्लीट हो रहा है चेक कर लेते हैं। एक्स ओवर वाई का होल स्केयर प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्केयर, ठीक है। सेंटर में आता है माइनस टू ए इंटू बी, इट्स मीन्स डैट कि ये कट आउट हो जाएंगे तो वही वैल्यू बन रही है, तो इसका मतलब है एक्स ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स का होल स्केयर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, माइनस वाई ओवर एक्स इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ फिल इन दी ब्लैंक्स, फिफ्थ है हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये तो देख के आपको पता चल जाना चाहिए फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, किसका प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स आंसर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिक्स में उसने क्या है, एक्स फोर माइनस सिक्सटीन की फैक्टराइजेशन, एक्स फोर माइनस सिक्सटीन की फैक्टराइजेशन, तो हम स्केयर में कंप्लीट करते हैं, एक्स स्केयर का स्केयर माइनस फोर का स्केयर, तो एक दफ़ा आएगा एक्स स्केयर प्लस फोर, एक दफ़ा आएगा एक्स स्केयर माइनस फोर, तो एक्स स्केयर प्लस फोर इसी तरह ये सॉल्व हो जाएगी एक्स स्केयर माइनस टू का स्केयर, तो इसका मतलब एक्स स्केयर प्लस फोर और एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू इसका आंसर आ जाएगा, तीन इसके हमारे पास फैक्टर आएंगे। लास्ट आज के लिए हमारे पास लास्ट इसका सेवन है, सेवन पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास सेवन फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास ये है, बुक पे आप देख सकते हैं, वो कहते हैं इफ़ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन के इज इक्वल टू, कि अगर एक्स माइनस टू इसका फैक्टर हो पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस एट, एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस एट, और फैक्टर क्या है एक्स माइनस टू, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, वैल्यू पुट करते हैं, पहले क्वेश्चन किए हुए हैं आप लोगों ने, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू प्लस सॉरी के, के तो फाइंड आउट करना है, तो फोर प्लस टू के प्लस एट, तो ट्वेल्व प्लस टू के। अब उसने कहा था एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है, एक्स माइनस टू अगर फैक्टर हो तो ये रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, जीरो के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर देन ट्वेल्व प्लस टू के इज इक्वल टू जीरो, तो 2k is equal to minus 12, तो k is equal to minus 12 over 2, तो k is equal to हमारे पास क्या आ रहा है minus 6, k is equal to हमारे पास क्या आ रहा है minus 6, तो अगर आप देखें ये हमारे पास x minus 2 को उसने कहा था फैक्टर x square plus 2k plus 8, तो x square plus 2k plus 8 वैल्यू पुट की हमने 2 to the 4 plus 2k plus 8, तो आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए आपकी बुक पे में भी सम प्रीवियस जो वर्गियन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि k के साथ x भी है, k के साथ x भी है, तो अगर k के साथ x वाले क्वेश्चन से हम सॉल्व करें तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 8 2 टू द 4k हो जाएगा, तो 4k के लिहाज से हम कुछ में सिर्फ 2k है कुछ में 2kx है, तो 4k के लिहाज से अगर आंसर निकालें इसका तो वो क्या आ रहा है माइनस 3, तो इसका मतलब इस फिल इन दी ब्लैंक्स का आंसर क्या आ रहा है माइनस 3। अब आप लोग की रिव्यू एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज एंड फिल इन दी ब्लैंक्स वो कंप्लीट हुए, मैंने आपको सॉल्व करके इसके आंसर बताए कि इसका कौन कौन से आंसर आ रहे हैं, कौन कौन से आपके पास ऑप्शन हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त हैं, ओके अल्लाह।